वहीं आगरा से एक अहम खबर, महिला डॉक्टर हत्याकांड पर यह बड़ी खबर है। मंगलवार शाम से लापता थी योगिता गौतम, जिसकी लाश मिली है। एक आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी डॉक्टर ने भी SNMC में ही पढ़ाई की थी। डॉक्टर योगिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। डॉक्टर योगिता के सर और गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं। तो सर को कुचलकर निर्मम तरीके से डॉक्टर योगिता की हत्या कर दी गई। और इस खबर में अब अपडेट ये आया है कि पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया है और हिरासत में लिया गया शख्स भी डॉक्टर की ही पढ़ाई कर रहा है। नितिन उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए हैं अपडेट के लिए। नितिन, जिस शख्स को हिरासत में लिया गया है वो भी मेडिकल का ही स्टूडेंट बताया जा रहा है, और क्या जानकारी जुटा पाई अब तक पुलिस? देखिए, डॉक्टर विवेक तिवारी को पुलिस ने हिरासत में लिया है SNMC में। वो इस साथ में उसने पढ़ाई की है डॉक्टर योगिता गौतम के साथ, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। और आरोपी डॉक्टर तिवारी की गाड़ी जो CCTV कैमरे में कैद हुई, तो पुलिस को इसको इस पूरे केस में लीड मिली। और उसमें फिर पुलिस ने इसमें जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया तो प्रयुक्त गाड़ी और अन्य सामग्री को बरामद कर लिया है। डॉक्टर तिवारी का इकबालिया जुर्म कबूल करने का जो बयान है वो भी अब सामने आ चुका है। कुल मिला के डॉक्टर मिश्रा को लंबे समय से परेशान और मारने की धमकी दे रहा था। एक तरफा ये जो कहा जाए प्यार का जो प्रसंग है, उस तरीके का जो मामला सामने आ रहा है। और जो आरोपी डॉक्टर है जिसको पुलिस ने अपने गिरफ्तार किया है, वो इस समय जालौर में मेडिकल ऑफिसर के पद पर तैनात है। और कल बहुत ही निर्मम तरीके से डॉक्टर योगिता की हत्या कर दी गई थी और शव बमरौली कटारा के पास जाकर मिला था। और भारी वजनदार लकड़ी उस पर रखी हुई थी। पूरे दिन पुलिस इस शव की शिनाख्त करती रही थी, लेकिन पता नहीं चल पाया था। और जब रात में इन्वेस्टिगेशन तेज हुआ तब ये पूरी चीजें निकलकर सामने आई, जिसमें CCTV फुटेज में डॉक्टर तिवारी की जो गाड़ी है वो निकल देखी गई। और उसके आधार पर, शक के आधार पर, जब उससे पूछताछ की गई, उसको ग्रिल किया गया, तब ये पूरा प्रकरण खुलकर सामने आया। डॉक्टर योगिता तिवारी की जो हत्या हुई है वो नजफगढ़ दिल्ली की वो रहने वाली शिवपुरी की। और परिजनों का कहना है कि लंबे समय से वो डॉक्टर योगिता को इसी तरह से डॉक्टर विवेक तिवारी इस तरीके से परेशान कर रहा था। कुल मिला के पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया है। लेकिन कहीं कहा जाए कि डॉक्टर योगिता जो काफी कहा जाता है कि बहुत ही योग्य और व्यवहार कुशल एक डॉक्टर थी, MS कर रही थी और आगरा में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही थी SNMC में। उनकी मौत से हर कोई अप्रभ है, लोग हैरान। वाकई में अपने आप में इस खबर ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक होनहार डॉक्टर मेडिकल की पढ़ाई के लिए आती है और इतनी निर्मम तरीके से जिसकी हत्या कर दी जाती है। फिलहाल आरोपी विवेक तिवारी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है और धमकी दे रहा था। घर वालों का भी कहना है कि लगातार परेशान कर रहा था। लेकिन नितिन, इस बारे में पता लग पाया है कि कितने दिन से आखिर लापता थी डॉक्टर योगिता, और क्या इस बारे में कोई रिपोर्ट दर्ज हुई थी? देखिए, डॉक्टर योगिता तिवारी का जो शव है वो कल ही मिला था और कल ही उसके लापता होने की सूचना आई थी। और ऐसे में उसकी लगातार उसको ढूंढा जा रहा था। पूरे दिन से वो गायब थी और ऐसे में मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही डॉक्टर योगिता का जब सिर कुचल कर हत्या हुई। और ग्रामीणों ने जब पुलिस को सूचना दी, बमरौली कटारा थाना डॉकी देहात का एक गाँव है वहाँ, और वहाँ जब पुलिस पूरे दिन उसकी शिनाख्त करती रही और जिस तरीके से उसको मारा गया है वो काफी कहा जाए बहुत ही निर्मम तरीके से उसकी हत्या की गई है। तो ऐसे में पुलिस लगातार यही तफ्तीश कर रही थी कि आखिर एक महिला डॉक्टर जो राजा मंडी में रहती है, SN मेडिकल कॉलेज में PG की तैयारी कर रही है, वहाँ वह रेजिडेंट डॉक्टर के तौर पर भी काम कर रही है, और उस वक्त कई किलोमीटर दूर बमरौली कटारा गांव में कैसे पहुंचता है। लेकिन जब CCTV की शिनाख्त की जाती है और तमाम चीजों पर आगे बढ़ाया जाता है, पूछताछ की जाती है डॉक्टर योगिता के साथ जितने भी काम करने वाली जो लेडी डॉक्टर है, स्टाफ है, तमाम लोगों से, इसके बाद पुलिस को पूरा इस बात को लेकर तस्दीक होती है कि डॉक्टर जो विवेक तिवारी जो इसका साथ में ही पढ़ाई कर चुका है, जालौन में मेडिकल ऑफिसर है, वो लंबे समय से इसको परेशान कर रहा था। और इस वजह से चीजें हो सकता है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया हो। जब उससे पूछताछ की गई, उसकी लोकेशन देखी गई, तो पूरी तरीके से उसकी सीढ़ियां, मतलब कड़ियां जुड़ती चली गई और आखिरकार जो है पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन अहम अपडेट के लिए।